हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमलता सैनी मेरे चैनल इंडियन फूड भारतीय खाना में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बना रहे हैं कुट्टू के आटे का पराठा। ये आप किसी भी व्रत में बनाकर खा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी लगती है और आसानी से बन जाती है। इसके लिए मैंने लिया है एक कटोरी कुट्टू का आटा, एक आलू लिया है मैंने, इसको बॉईल कर लिया है और इसको मैश कर लिया है मैंने, काली मिर्च, सेंधा नमक, पराठे पे लगाने के लिए घी। अब हम इस आटा लगाते हैं, इसका आटे को बर्तन में डाल देते हैं। अब हम इसमें आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे, आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। आधा चम्मच नमक। अब इसमें आलू डाल देंगे, अच्छे से मिला देंगे इसको। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको आटा लगा लेते हैं, जैसे चपाती का लगाते हैं वैसे ही लगा ले। पानी थोड़ा थोड़ा डाले, नहीं तो ये गीला हो जाता है। अब आटा लगा लिया है, अब इसमें से थोड़ा सा लोया लेंगे, अब जितनी साइज की आप रोटी पराठा बनाना चाहें उसको हाथ से थोड़ा गोल गोल कर लें। इसमें सूखा आटा लगा लें, इसको हाथ से थोड़ा प्रेस करके इसको लंबा कर लें। अब हथेलियों से इसको पतला कर लें। हम इसको पूड़ी की साइज में बनाएंगे, आप चकले से भी बना सकते हैं। ऐसे ही दूसरी रोटी पराठा बना लें। ऐसे ही अब बाकी के पराठे भी बना ले। अब हम पराठे के लिए तवा लेते हैं, अब इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। हमारा तवा गर्म हो गया है, गैस को हम मीडियम ही रख देंगे। अब इस पर डाल देते हैं, एक तरफ से सीख गई है, अब इसको पलट दे। अब हम इस पे थोड़ा थोड़ा घी लगा देंगे चम्मच से। अगर आप घी नहीं खाना चाहते तो आप रोटी के जैसे सिंपल बना सकते हैं इसको। दोनों तरफ से ऐसे ही लगा के सेक लें इसको। हमारा पराठा बन गया है, अब हम इसको अलग प्लेट में निकाल देंगे। अब हम दूसरा पराठा ऐसे बनाते हैं। गया, अब इसके ऊपर हम घी लगा लेते हैं। दोनों तरफ से ऐसे ऐसे एक लेस को घी लगा के
हमारा ये पराठा भी बन गया, इसको निकाल देते हैं। बाकी के पराठे आप ऐसे ही बना लें। हमारी कुट्टू के आटे के पराठे सर्व करने के लिए तैयार हैं। आप इनको दही या आलू की सब्जी के साथ खा सकते हैं, ये आपको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।